हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो रिंकी गुणावत चैनल में आपका स्वागत है। अब बज गए हैं 9 सुबह के। तो और कैसे हो? सब ठीक है? ठीक ही होने चाहिए, आशा करते हैं सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, घर का काम करके आज हम आ गए खेतों को देखने, क्योंकि बहुत दिन हो गए तब से आए ही नहीं इस खेत को देखने। तो सोचा आज तो फ्री है, चलो उस खेत को देख के आते हैं कैसी सिरसु है। शायद वो ये जे के बाद एक बार देख के गई, पानी वानी तो दिया नहीं। अब की बार बारिश ने मजा कर दिया, पानी का कोई काम नहीं देने का। बारिश के पानी खूब लग गया, उसी से बड़ी हो जाएगी। ये देखो, ये मेरे का सुराग सरसु है। ये तो अच्छी है ना, मेरी को देखते हैं कैसी है। तो 8-7 दिन में जाके आज दोपहर खिली है, वरना तो ऐसा मौसम रहता था बहुत बुरा, बरसात का और बारिश हो गई। बारिश ने बढ़िया, अब सूख गया लेकिन। तो आज मैं देखने आ गई, दोपहर भी खिल रही है आज तो बढ़िया। चलो खेती देख के आ जाते हैं, ठाली बैठे बैठे क्या करें घर पे। तो मेरा खेत आ गया ये। ये देखो दोस्तों, अच्छी है ना सरसों, तो बगैर पानी की है, फड़ी भी आने लग गई है। ये देखो इसमें तो पानी लग गया, ये मेरे काक ससुरा की है। तो ये तो अच्छी है, इसमें देखो कितनी अच्छी फड़ी भी आ गई। तो हमारी में तो पानी नहीं लगा, अब की बार मिला ही नहीं, घर का पानी है नहीं है, कुआं में पानी सूख गया। इतना ही पानी आता है जो बस गांव की पब्लिक पी लेती है, बाकी खेतों में तो चलाते नहीं है पानी। जिधर देखो सिरसू है। तो अकेले आते तो डर भी लगता है, चलो देख ली अब निकलते हैं। और एक खेत में तो मैं बताऊंगी आपको, काटने भी लग गए हम सिरसू, और अब दोबारा वैसे बदल सा हो रहा है, मौसम फिर से खराब हो गया। तो दोस्तों अब घर के नहीं निकल चलते हैं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत सर्दी है, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है आज हवा की वजह से। वैसे दोपहर ही खिल रही है लेकिन फिर भी सर्दी लग रही है। ये हमारा कुआ है, देखो इसमें से ही पानी जाता था पहले खेतों में, लेकिन अब तो सिर्फ पीने लायक ही है। जो गांव में पानी नहीं है, बहुत कम है, आधी पब्लिक तो यहाँ से ही पीती है, इसमें से ही जा रहा है। हमारी एक फेस की मोटर डाल रखी है कुएं में। तो खेतों में इसलिए ही नहीं देते, बस इसकी पूर्ति होती है गांव वालों की पीने की, हमारी बस। और ये वाला खेत देखो, ये मैंने पहले बताया था ना, बगैर बोई चौमासान की सरसों, मतलब जो पहले बीज रह गया शायद थोड़ा बहुत सरसों का खेत में, वो ही निकल उग गया ही। तो इसमें हमने बोई भी नहीं थी सरसों, अपना आप हो गई। ये मेरे का ससुरा की है, तो ये तो पक गई दोस्तों, काटने भी लग गए इसको। तो जगह जगह से जैसे पक रही है ना वैसे ही काटते जा रहे हैं, और यहाँ नहीं छोड़ते क्योंकि गाय जेंगड़ा बहुत डोलते हैं, सबको खा जाते हैं, तो इसको घर ले जाते हैं। मैं थोड़ी सी काटी उसको, घर के पास खेत है ना, उसमें ले जाके पटक देते हैं। और बच्चों का भी, छोटे छोटे बच्चे बहुत डोलते हैं, वो सिल्ला भीगने वाले, तो वो ही नहीं छोड़ेंगे इस खेत को। तो इसलिए जितने काटते हैं ना उतने को घर ले जाते हैं काट के। रोज आती है मेरी काकसास काटने के लिए, थोड़ी थोड़ी जैसे पक रही है, दो दो चार पेड़ जितने भी सबको काट लेती है और सबका घर लगा दिया है, घर ले जाके। अभी तो वैसे बहुत रह रही है। तो देखो सरसों ऐसी हो रही है, निकलने के लिए भी जगह नहीं है इसमें। आप तो खेत देखने के लिए आ गई मैं, वरना पता नहीं कितने दिन हो गए। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना आपके वहाँ कैसी सरसों हैं, आपके अगर गांव में रहते हो तो, जो शहर में रहता है उसको तो क्या पता कि कैसी सरसों है, क्या है क्या नहीं है।
तो हमारी तो जैसी है, मैंने आज आपको बता दी। बाकी जो माड़ में खेत है वो बहुत दूर, मैं स्कूटी से जाती हूँ ना, उसमें तो सिर्फ जोर की है, क्यों दो पानी दे दिए उसमें हमने। हम धके लाई गया सिर्फ देखवा, हम सुख दे दी पहले, हम चलेंगे, हम लाल लाल चल चलता फोन तो हाँ फोन की तो चाड़ लगी रहा, अब देखा मैं तो देखा ही, और पहले वो गई भी को नहीं, पहले डोड़ में तो वो लाई सुहाग देख दिया फिर मुहे पता को ना, मैं लाल लाल चल चलती वैसे देख रहा है ढंग से देख रही को नई। तो दोस्तों सरसों को देख के मैं आ गई घर, ये हमारा घर आ गया, पीछे वाला गेट है ये, खेतों के मार छोड़ रखा है, इधर के खेत है ना, अगर कोई ट्रैक्टर वैक्टर जाए तो उसके लिए इसको मैं लगा देती हूँ। ये देखो जो मैं बता रही थी ना, सरसों काट के घर ले जा रहे हैं, ये लगा रखा सरसों की गल्ला काट काट के, क्यों अभी इतनी काटियाँ आपको दिखाई थी ना खेत में जगह जगह आ रही है, तो जगह जगह से ही काट रखी है। ये देखो अब घर पहुंच गए हम, ये हमारा खेत है जिसमें उन्होंने कुछ भी नहीं वो रखा, वैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली वैसे खाली पटक रखा है, रख रखे हैं गुड़ अब तक रखा है इसमें, ऐसे ही काम ले रखा है बस। काय खरी मैया, अरे लड्डू खा रही है क्या आज तो, हैं खास आगे लड्डू भाई, कोई भगवान और देखो, कौन देखो लड्डू तो को तो आज तो कर दिया कर दिया, कोई गरीब आया है अच्छा, तो रोटी तो कौन खाया ना लड्डू ने खा ले हैं, कोई खाओ इसे बेटे गाजर खाओ ही नहीं हैं, इसे रोटी खाओ अच्छा, कटाव को ना है, कटाव को ना है, सारा ही निकलेगी लड्डू ने भी, अरे सारा ने बूर बूर हो जाए खा ले तो बढ़िया है, बूर बूर हो जाए पल्ला पर डाल लो सारा ने, बूर बूर ये क्या बूर है सारे खा ले डर जाए, बढ़िया खाना खेल रहा है,
स्कूल कौन गया क्यों?